हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टेकन अनदर इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसे याद भी करना है। लेटर इज़ राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रेपरेशन फॉर एनुअल एग्ज़ाम। आपको अपने फादर को लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। आपको कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, कोई नेम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने आप से एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पर लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे, माय डियर फादर। उसके बाद नीचे लिखेंगे, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर वेल। मैंने कल आपका लेटर पढ़ा, मुझे कल आपका लेटर मिला, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ठीक हो। इन योर लेटर यू वॉन्टेड टू नो अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्ज़ाम। और अपने लेटर में आपने पूछा है कि मेरी एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी कैसी चल रही है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ामिनेशन इज़ बेटर दैन बिफोर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी पहले से अच्छी चल रही है। ग्लैड का मतलब खुश होना। यू नो दैट आई एम वीक इन इंग्लिश एंड मैथ्स। आपको मालूम है कि मैं मैथ्स और इंग्लिश में वीक हूँ, बट नाउ आई हैव ओवरकम दिस प्रॉब्लम। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बिकॉज आर स्कूल हैज़ अरेंज स्पेशल कोचिंग फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमारे स्कूल ने इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल कोचिंग अरेंज की है। सो आई कैन अश्योर यू दैट आई विल गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में मैं अच्छे नंबर मार्क्स लूँगी। पे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू रिया, योर्स लविंगली अंकिता। आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इनफॉर्मल लेटर आपको दो लिखवाई हैं, ये दोनों आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है और लर्न भी करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों लेटर में से ही आपको आए, आपको बाहर से भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या मेंशन करना है। तो रिवाइज इट, टेक केयर, थैंक यू।